किसके हाउस जा रहे हो? समझ तो नहीं आई मुझे ये क्या हो रहा है आखिरकार। बहुत शुक्रिया भैया। चिकन कोरमा रायता। ओए 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 ये बड़े खूबसूरत लग रहा है भाई। कैसे हैं? अल्लाह हाफिज़ बेटा, अल्लाह हाफिज़। और इसके लिए शुक्रिया। ओए होए 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 होए। अस्सलाम वालेकुम जी और शाम बखैर। उम्मीद है आप लोगों को कल वाला व्लॉग पसंद आया होगा। अभी भाईजन सीन कुछ ऐसे है कि हम लोग जा रहे हैं ससुराल पार्क। बेसिकली वहां पे कुछ क्या है बेगम साहबा, एक न्याज का एहतमाम किया हुआ, जिन्होंने तो उन्होंने बुलाया हुआ है हम लोगों को, इनवाइट किया हुआ बिला वजह। बा वजह की बिला वजह किया हुआ बा वजह। एक वो जुमला आता है दफाराते हिंद के 320 के तहत आपको कह दे बा मुशक्कत सुनाई जाती है, तो हमें भी बा वजह बुलाया गया है। खैर वहां चलते हैं, चल के एंजॉय करते हैं। कुछ दिखाने लायक हुआ तो आपको जरूर दिखाएंगे। बेगम साहब हुई है परेशान, पता नहीं किस बात पर परेशान यार। एक तो मुझे सौरत की समझ नहीं आती, आप लोग मुझे समझा दे काइंडली कमेंट में कि मेरी बेगम हर वक्त का परेशान क्यों रहती है। राइड आ चुके, निकलते हैं, फौरन निकलते हैं। बेगम साहब तैयार है आप? कोई पंगा तो नहीं रह गया? चले फाइनल आंसर लॉक कर दूं? चलो जी आए हम लोग। गली में रिहायशी काम और मोटरसाइकिलें ज्यादा है जी, लाइट की वजह मुझे आगे कुछ नजर नहीं आ रहा है, मुझे एंड करना पड़ेगा। आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी, आ जाओ। चलो 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 काका साहब के लाइटिंग वाले शूज। वाओ कहाँ जा रहे हो? मार्केट नहीं जा रहे हैं? किसके हाउस जा रहे हो? अबू अबू के हाउस जा रहे हो है ना? तो एक हवा तो कर दो आज। उधर फ्लाइंग किश कर दो, फ्लाइंग किश। थैंक यू। A few moments later. ना हिलाया ना जुलाया ना कुछ कहा। अरे भाई सब सो गए, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। हाँ जी समझ तो नहीं आई मुझे ये क्या हो रहा आखिरकार। ये कोई बंदा मुझे खुद ही बताएगा ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई साहब आप? कैसे और काम शाम कब सुनाए माशाल्लाह? सब अच्छा है? क्या कर रहे हैं? क्लोजिंग? चले मैं जा रहा हूँ। और नहीं मैं जा रहा हूँ आपकी आपी के साथ, वो गाड़ी में बैठी हुई है। मैं ना सिर्फ मैंने आपको देखा, मैंने कहा कि वो खड़े हैं तो मैंने कहा मैं सलाम कर रहा हूँ। मैं वो देख रहा था, मैंने कहा कि काम शाम आप लगे हैं। बुखार हुआ अभी तक? चले अल्लाह का ख्याल रखें, ठीक है बेटा, ओके खुश रहें। फिर वही बात, ससुराल जाना हो तो खाली खा तो जा नहीं सकते, तो इसलिए फिर कुछ ना कुछ साथ लेके जाना है। चले बेगम साहब, ओए बेगम आपकी शॉल, बेगम की शॉल। भाई जी ये एक ड्राई फ्रूट केक तो कर दीजिएगा। कौन सा वाला करना है? आलमंड वाला। कौन सा? वो छोटा जी, वो वाला, वो एक कर दीजिए आलमंड वाला। बहुत शुक्रिया भैया। मुझे वो स्टोर वाले भाई पूछते हैं कि काफ़ी दिनों बाद आए हैं। मैंने कहा जी ससुराल से नाराजगी चल रही थी, अब उसको क्या बताऊँगे घर पर क्या क्या मसाइल चल रहे हैं। ये ले, एक और मुहिम का आगाज़ हो गया जी। अब मुझे काका साहब को उठाना है और बेगम साहब शॉल वगैरह अपनी लेंगे, वो मतलब बैग पकड़ लेंगे। अपना बच्चा मैंने उठा लिया जी फाइनली, और बच्चे ने मेरी ऐनक को टुड मारा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं रजा भाई? ठीक हैं? ठीक ठाक आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक हैं, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं बालों को क्या किया आपने? बालों को एक्चुअली मैंने देख लिया है एनिमल मूवी। ओए ओए ओए, तो उसके बाद रणबीर कपूर का जो नया स्टाइल वो आप कॉपी करना जा रहे हैं? यस आई वुड लाइक टू कॉपी रणबीर कपूर। हां रजा भाई आप ना कीजिएगा काइंडली, आपके बाल ही अच्छे लग रहे हैं। मैं तो इस तरह के कपड़े में बाल रखता हूं, मुनासिब बाल अच्छे लग रहे हैं, लंबे बाल रखे भी जाते हैं। आप बने एनिमल वाले भी लुक कॉपी करें, उसके बाद आगे आप आतिफ भाई वाले लुक भी कॉपी करें। नहीं नहीं एनिमल एनिमल बन जाओगे ना उसके बाद बदमाशी शुरू हो जाएगी, एनिमल के बाद खुद भी एनिमल ही बन जाएगा। देखे जी बेगम के ससुराल में आए और माशाल्लाह यहाँ पर ये अजीब गरीब किस्म की चीज़। मैं पहचान गया कौन था। कौन था? तैयब। तैयब इतना देखिए जी, ये देखिए अली भाई, वो लोग कहते हैं घर पे न्याज पे बुलाते हैं और वसी तर न्याज का इंतजाम, आपने वसी तर तैयब का इंतजाम किया हुआ? बस देखने सर हमारी हिम्मत है, या आपकी हिम्मत है या नदीम अंकल की हिम्मत है। सर जी आप यकीन करें कि मौला का करम है, जो मौला का इतना इतना करम मौला का लोगों के जाने के लिए अल्लाह पाक ने बड़ी रहमत की है। यकीन करें कि मैं कहता हूँ अगर ये बच्चा हिम्मत कर ले थोड़ी। अच्छा ये वैसे आपस की बात है, गवर्नमेंट ऑफिसर है माशाल्लाह और ये हाँ बहुत इंप्रेसिव। और उसके अलावा डिपार्टमेंट जो इसका ये एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है, यार मुझे डिपार्टमेंट का बताना ज़रा।
एप्टा डिपार्टमेंट है और एग्रीकल्चर इंजीनियर हूं मैं। ओए होए मेरे खुदाया, सादा इंजीनियर नहीं मान रहे थे, एग्रीकल्चर इंजीनियर है। सबसे बड़ी बात है इसने जो हिडन की हुई है, इसने छोटी सी उम्र में ऑलमोस्ट ये था अबाउट 20-21 ईयर्स का था जब इसने अपने जो राइस का चैप्टर है ना, राइस बुक के अंदर एक चैप्टर खुद लिखा था। जिंदगी के चैप्टर में एक राइस का चैप्टर भी। अम्मी ने आज कोई 10 साल बाद हमें अपने हाथों से फिर टकाटक न्याज बनाई है। टकाटक क्या मतलब? ये बीफ है? ये बीफ की मैं मुझे मत दिखाएं। ये चिकन में क्या बना? चिकन कोरमा रायता। ओए 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 ओए, ये बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। इसे खान तो लगे हो? सारा कुछ खा रहे हैं। ये शेरी को हम चखा रहे हैं बादशाह को, जो तो खाना देने से पहले जो एक टेस्ट चेक करवाते हैं ना, ये किसी ने विच पॉइजन तो नहीं ऐड किया। ये ले लो, इसके अंदर लगा के रख लो। आज 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 रजा भाई क्या क्या ही बातें हो रही हैं, जुगते लग रही हैं आप हैं। माल को आपको छोड़ नहीं रहे? माल को है। अच्छा आप इनको माल को कहते हैं, अली भाई को? और अली भाई कल उस दिन आए ना लास्ट टाइम, तो बेगम को अपनी कह रहे माल को। आज मेरा शेकी शेकी हुआ, पूछो क्यों? भूख बहुत लगी है। अच्छा अभी 2 सेकंड। ये क्या चीज है? मटन है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये इसमें क्या रखा भाई? अंकल ये चेक करें जरा, वो तो चेक करें। आपने टेस्ट किया है, वो देखने से ताल्लुक रख रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है। अली भाई मैं जरा ना छोटी की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, बस मैं जरा होकर तो आ रहा हूँ। ठीक है भाई, सिस्टर की तरफ जाना है जी, तो उधर ये गाजर का हलवा और ये पेठे का हलवा होता है, ये लिया उनके लिए। आइयो आइयो आइयो, थोड़ी तीमारदारी वास्ते मैं आया वहाँ। हाँ जी, तुम कहने क्या एडी ईमानदारी नाल बीमारदारी करो तो तीमारदारी कराओ। हैं ताड़ी रोटी खाधी उस दिन दी? उस बार मैं रोटी नहीं खाई। बस फिर मेरे मौला दा खसूसी करम है देच। मौसमिया दे जूस ही पी रहे। तबीयत वाकई खराब है, इतनी खराब है? क्या हुआ, क्या पेट खराब? चले एक मिनट, ये आप पकड़े ना, मैं अपने भाई वगैरह को मिला हूँ जरा। अस्सलाम वालेकुम, छापा मार का टीम आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं? सर्दी जो है हो रही है। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। आ जा लिए इधर, चल नीचे। मुझे निकलते वक्त ना वक्की में बजा, वक्की में, और बहुत ही पड़ा बजा। अखीर हो गया भाई, खुदारा इसका कुछ कर ले। इन लाभ इन यही कर सकते हैं, इन नहीं लाना तो घटो घट लोगों दस गया करो कि अपने वक्कियां घर ला के आया करो। बहुत ही बुरा लगा, यकीन करें। एंडू है पेठे का हलवा, मैंने खोल लिया जनाब। गाजर का हलवा जो है वो मेरा इरादा नहीं था, तो पेठे का खाते हैं। अल्लाह का नाम लेके हसन मियां प्लेट लेके आते हैं, फिर उसमें से थोड़ा सा ले लेंगे हम, बाकी हम उनके लिए छोड़ देंगे। कोलियां भी आ गई। हाँ जी, पानी रह गया, पानी उनका आ जाके पी। यार बड़े अफसोस की बात है, अब घर आए मेहमान, क्यों कहते हैं घर जाके पानी? मरीज बंदे तंग कर रहे हो तुसी, मरीज हो? मैं तो कहते बीमार हो। नहीं, जैसे कोई बंदा कहता नहीं यार तू मेरे पैसे ते वो बन के बैठा है। एक्स्ट्रा तुसी मेरी दाल ते आहा अलसी पाक की पिनिया, वाह। और इंज लग रहा है अलसी दी पिनिया नहीं है, कोफ्ते के ने, वो भी मटन दे। अपनी सेहत का ख्याल रखें, ठीक है ना? क्या मसला बिला वजह अभी पंगा में डाली, मुझे समझ नहीं आ रही क्या वो क्या हुआ। बुखार कल जाना डॉक्टर ने बुलाया, उसने कहा एक बार कल आ पाए। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेंगे जी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ बेटा, अल्लाह हाफिज़। और इसके लिए शुक्रिया, घर जाकर आपको बताऊँगा इसमें आखिर डब्बे में क्या है, सरप्राइज़ है। ओके सारिम, अल्लाह हाफिज़। कब आएंगे आप? जल्द इंशाल्लाह। ठीक हो गया, बड़ा अच्छा नियाज़ का अहतमाम किया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक कबूल करे भाई, आमीन। बस दुआ करें, जिस नियत से किया बस वो नियत मुझे कान में अकेले में बता देना। बस नियत मेरी यही है कि मेरी नियाज कबूल। ये कोई नियाज अंकल है तो ये नियाज रिश्ते वाले। एक बार फिर हम अपने हर दिन अजीज मेडिकल स्टोर पर हाजिर हैं। देखें जी मूछों वाले बेगम साहब ने कोई दवाइयाँ वगैरह लेनी है, वो दवाइयाँ ले रही हैं, और बच्चों को कोई आइसक्रीम वगैरह खिलाते हैं। ऑल दो के बच्चों की हालत नहीं है आइसक्रीम वाली, लेकिन खिला देते हैं, क्या पता बच्चे खाए कोई दवा दे दो, उनकी दवा लग ही जाए। ओए होए 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 होए, ओ तेरा पला जाए। बेगम साहब को इतनी खुशी है कि यही भूल गए कि काका साहब का दूध भी लेना था। आइसक्रीम सब लोग खा रहे हैं, मैं भी खा रहा हूँ, लेकिन दूध भूले मैं। ओह बहुत सख्त है भाई। एक और, एक और। आते साथ ही दोनों चाचुओं ने पकड़ लिया भाई। आइसक्रीम खाइए आइसक्रीम। बब्बन ने मार, बब्बन नाम आ रहा कर यार, नाम आ रहा कर। माज ने
बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और उनको भी कह दे तो फतन हजरत ने की था लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, बिल्कुल सब्सक्राइब याद रखो। शत जिंदगी का लाज मुलाकात है, किसी ने जगह इसने मुकाम इसने काम इससे जब तक अपना खैर के गवार दो में याद रखिए, बहुत कुछ स्पीड में बोला सब। अल्लाह हाफिज। और लेकिन सब्सक्राइब लाजमी करें, रात को खैर।